इसका इन्होंने हल निकाला था कुछ जी दिनों तक, ये ठीकरा फोड़ा था ईवीएम के ऊपर, फिर और कोई बहाना निकाल लेंगे, लेकिन अब जीत अपनी ये खुद घोषित करेंगे, ये मुगालते में रहते हैं। जी जब से सदन चल रहा है ना, दो तीन चीजें बड़ी अनोखी हुई है। आठवां अजूबा, आपने इसके पहले कभी शेर को फ्लाइंग किस देते हुए देखा? नहीं देखा। दुनिया ने देखा पहली बार कि शेर कैसे फ्लाइंग किस देता है। कौन आया? कौन आया? शेर आया। मैंने सोचा था कि शेर बोलेगा तो संसद में भूकंप आ जाएगा, वो कुछ नहीं हुआ। हमारे कांग्रेस के मित्र कितने नैरो माइंडेड है। हमने सोचा था कि कल की सुबह एक नई सरकार मिलेगी, राहुल गांधी उसके प्रधानमंत्री बनेंगे, ममता दीदी रेल मंत्री बनेंगी, केजरीवाल जी उसके वित्त मंत्री बनेंगे, और मैं भी गुलदस्ता लेके पहुंचूंगा छोटा मोटा। लेकिन अब ये बोल रहे खोदा पहाड़ निकली चुहिया कि जी मोदी जी ने बोल दिया, हम इसी से संतुष्ट है। भैया, हमारा उद्देश्य सरकार गिराना नहीं था। हम तो अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाए थे कि मोदी जी बस दो चीज बोल दे, हमें सरकार नहीं बनाना है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, शाह आलम मुगल बादशाह था, उसकी सत्ता कितनी थी? लाल किले दिल्ली से लेकर पालम तक जहां तक नजर जाती थी, केवल इतने दूरी में वो बादशाह था। तो ये सेवा बिल के बाद इनकी हालत ये हो ठीक गई है ठीक कि ठीक है दिल्ली से शाह, दिल्ली से पालम शाह आलम, और ये बोल रहे हैं कि हम सरकार ठीक है, मैं बनाएंगे। बात का जवाब दे दूंगा। अरे आप यहाँ तो परफॉर्म कर नहीं जी पा रहे हो, ठीक और जो आपका शेर ठीक था ठीक वो है। मैं मिश्रा जी, अभी उनके समय कम है, मैं पार्टी। एके शर्मा जी आपसे बात शुरू करता हूं, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। इस अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष को क्या हासिल हुआ? अमिताभ जी, जी एके मिश्रा मेरा नाम है, शर्मा पता नहीं क्यों आज आप बोल रहे हैं। ओ, ए के मिश्रा। जी जी तो जी 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 देखिए, जी ये जी जो जी विश्वास प्रस्ताव है, जी कोई बात नहीं, जी होता क्या है ना कि विपक्ष की थोड़ा स्थिति समझिए। 2014 में जब लगातार घोटाले हो रहे थे, 2013 की बात, ये लोग इतने आश्वस्त थे कि इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने बोला भाई सरकार हमारी बनेगी, बीजेपी आएगी तो साल दो साल में वो निपट जाएगी। जी 2019 में भी यही हुआ, इनको लग रहा था कि बीजेपी स्टेबल हो ही नहीं पाएगी। रह रहते इनको हिस्टीरिया पड़ते हैं पॉलिटिकल, अरे बीजेपी की सरकार गिर गई, जी इस तरीके के इनको दौरे पड़ते हैं। जब ये दौरे पड़ेंगे तब जी अविश्वास प्रस्ताव लाओ, यानी 6 महीने 8 महीने बाद चुनाव है, ये उसका इंतजार नहीं करेंगे। ये इनका एक कुत्सित प्रयास है, असफल प्रयास है, ये कर लो जी वैसे कर लो, आज सरकार गिर गई कल सरकार गिर जाएगी, ये कर देंगे तो सरकार गिर जाएगी। 10 साल में इन्होंने सारे घोड़े खोल लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये इसका मंशा ये है कि कैसे और कितने जल्दी प्रधानमंत्री मोदी से, बीजेपी की इस सरकार से छुटकारा पाए। इनको न देश से मतलब है, न मुद्दों से मतलब, कभी हाँ बोलेंगे कभी ना। जो आपने बोला सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री को लाओ जी, फिर बोलेंगे प्रधानमंत्री आ जाएंगे तो क्या होगा, आए या ना आए। तो ये कंफ्यूज्ड है, कभी नाम बदलते हैं। यूपीए 10 साल जो सबसे सक्सेसफुल अलायंस जी इनका रहा, उसका नाम इन्होंने बदल दिया I.N.D, यानी इंडिया में भी इन्होंने डॉट 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 लगा दिया, सेपरेशन कर दिया। कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये इस जी मेंटल स्टेट पे ठीक है पहुंचे हैं कि ठीक है इनको मिश्रा समझ जी में नहीं आ रहा जी है मैं कि हम दोबारा चुनाव आता हूं कैसे आपके पास, जीते। दोबारा आता हूं। अमिताभ जी, भाषण आपने बोला, दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष के पास भाषण देने की भी कला नहीं है। मैं तो संतुष्ट नहीं रहता हूँ जिस हिसाब से ये मुद्दों को उठाते हैं जी और जो तर्क देते हैं, जो गंभीरता होनी चाहिए। अभी क्या सही है क्या गलत है मुझे पता नहीं, वो फ्लाइंग वाली पता नहीं क्या अफवाह बात उड़ रही है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है ना, ये एक बड़ी अजीब कहानी सुनाते हैं चौथी पास राजा के। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल हर किसी से चौथ वसूलने में लगे रहते हैं। दिल्ली सेवा बिल पे इन्होंने कांग्रेस से चौथ जबरदस्ती वसूलने की कोशिश की कि हमें फेवर करो। सारे लोगों से इन्होंने बोला चौथ वसूलने की कोशिश की, हमें फेवर करो। एक कहावत है हमारे आपके गांव एरिया में कि चौबे चले थे 26 बनने, दूबे जी बन के लौटे, कहां मुख्यमंत्री थे अब क्लर्क बन के बैठ गए हैं। और ये भी एक विपक्ष के एक धड़े हैं, एक अवयव है। यही हालत कमोवेश कांग्रेस की है, यही हालत और लोगों की है। इनको इंडिया के बारे में तो पता है, भारत के बारे में पता नहीं। और वोटिंग अभी हो जाएगी, अगर हिम्मत है तो वोटिंग करें, रिजल्ट आ जाएगा सामने। जी